कोरोना महामारी ने हमारी दिनचर्या और आदतों में कई परिवर्तन किए, जो कि इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए जरूरी भी हैं, जैसे हाथों को सही तरह से धोना, चीजों को सैनिटाइज करना, भीड़ की जगहों से बचना और सामाजिक दूरी का पालन करना। अब जैसे जैसे जीवन सामान्य हो रहा है, शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं, ऐसे में इन नियमों का पालन कराना जरूरी हो जाता है, ताकि खत्म होता संक्रमण दोबारा ना बढ़ सके। इसी समस्या को देखते हुए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने एक समाधान विकसित किया है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये प्रणाली सामाजिक दूरी की निगरानी करने के साथ मास्क न पहनने वालों को चिन्हित कर चेतावनी दे सकती है। हमारे आईजर भोपाल में स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे इसको इंश्योर किया जाए। हम लोगों ने सोचा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम अगर हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सके, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि स्टूडेंट्स और स्टाफ मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, एंड ऑल्सो दो पर्सन के बीच में एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस है कि नहीं। तो इसलिए हमने ये डिवाइस बनाया। आईसर भोपाल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस विभाग और केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों की टीम ने संयुक्त रूप से ये प्रणाली तैयार की है, जिसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हाई डेफिनेशन कैमरा, माइक्रोचिप कंप्यूटर और स्पीकर का उपयोग किया गया है। कैमरे से प्राप्त तस्वीरों की उपकरण में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा इमेज प्रोसेसिंग की जाती है, और अगर लोगों के बीच की दूरी सामाजिक दूरी के मानक से कम है या किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, तो स्वतः ये संकेत स्पीकर को चला जाएगा और आम चेतावनी जारी होने लगेगी। खास बात यह है कि ये उपकरण छोटे आकार का है, जिसे कम लागत में तैयार कर कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा कहीं से भी बहुत कम मानव संसाधन के साथ स्कूल कॉलेज प्रांगणों या सार्वजनिक स्थानों की निगरानी की जा सकती है। इसका मेन जो मोटिव है वो है जो पैंडेमिक सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है उसको हम कैसे मेंटेन कर पाए किसी भी पब्लिक गैदरिंग प्लेस, जैसे मान लीजिए बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उन सब जगह पे, इसके लिए हमने ये डेवलप किया है। तो ये डिवाइस एक कैमरा रहता है जिससे डिटेक्ट करता है कि कोई 2-3 पर्सन क्लोजली आ रहा है या नहीं। अगर वो लोग 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसी जगह पे द डिवाइस गिव्स यू एन इंडिकेशन एंड एन अलार्म। प्रयोग के तौर पर अभी इस प्रणाली को आईसर भोपाल कैंपस में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अगर इस उपकरण का बड़े पैमाने पर उद्योगों के साथ मिलकर निर्माण किया जाए तो अन्य कैंपस, रेलवे स्टेशन, मार्केट या किसी भी भीड़ भरे इलाके में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वियरिंग नियमों की निगरानी कर उनका पालन कराया जा सकता है।